अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम PUBG टेस्ट करने वाले हैं पोको M3 Pro 5G का। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैटरी कितनी ड्रेन करता है और PUBG में कैसी परफॉर्मेंस रहती है गेमिंग रिव्यू में। तो पोको M3 Pro 5G की पाकिस्तान में प्राइस यहाँ पर 6GB 128GB वाले वेरियंट की 34,500 रुपये डिस्काउंट करके 1,000-1,500 का डिस्काउंट शायद मिल ही जाए, दराज पर अवेलेबल हो, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 वाला 5G चिपसेट, 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और बैटरी आपको 5000 mAh की मिल जाती है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, IPS LCD वाला डिस्प्ले, साथ में 90Hz रिफ्रेश रेट। हम ऑन करके टेस्ट करेंगे। बैटरी इस वक्त रिमेनिंग है दोस्तों 33%। देखते हैं बैटरी का कितना खर्चा होता है। पबजी की सेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर हम स्मूथ में अल्ट्रा सेटिंग्स में प्ले कर पाएंगे और HD में हाई सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम स्मूथ में अल्ट्रा में प्ले करके देखते हैं। थोड़ी सी देर हुई हम पबजी प्ले किए, परफॉर्मेंस का मामला अब तक तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। काफ़ी जो है कलर्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं IPS डिस्प्ले की वजह से। और यहाँ पर डिस्प्ले का मामला काफ़ी शार्प सा है, एमोलेड डिस्प्ले वाला मज़ा तो नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो अब तक काफ़ी अच्छी है डिस्प्ले की, ग्राफिक्स की, और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अब तक काफ़ी अच्छी है। एंड में देखते हैं क्या होता है।
दोस्तों 26 मिनट तक हमने PUBG को प्ले कर लिया है, PUBG टेस्ट हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस का मामला मैं बता नहीं सकता, काफ़ी कमाल का रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रूम टेम्परेचर दोस्तों 28 डिग्री है, 27 डिग्री, तो उस हिसाब से फ़ोन जो है हीटअप भी नहीं हुआ। और यहाँ पर शायद ये फ़ोन हीटअप ना हो, लेकिन गर्मी में थोड़ा बहुत हीटअप होने का खतरा है, लेकिन अब तक तो हीटअप नहीं हुआ। लेकिन परफॉर्मेंस का मामला काफ़ी तगड़ा है दोस्तों। बैटरी यहाँ पर रिमेनिंग है 25%, 8% बैटरी का खर्चा हुआ है 26 मिनट्स में। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी था, और यहाँ पर वॉल्यूम भी थोड़ा ऑन किया हुआ था और ब्राइटनेस को भी फुल किया था, उस हिसाब से बैटरी का खर्चा मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ है। लेकिन अगर 60 हर्ट्ज़ पर प्ले करेंगे, वॉल्यूम भी डाउन रखेंगे, ब्राइटनेस को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, तो बिल्कुल बैटरी का खर्चा कम होगा। और परफॉर्मेंस का मामला ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, हीटिंग प्रॉब्लम अब तक नहीं हुआ। तो दोस्तों पबजी के लिए अगर ये फ़ोन लेना चाहते हैं, पोको लवर्स हैं, पबजी के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं और साथ में 5G का मज़ा लेना चाहते हैं जब 5G अवेलेबल हुआ, तो आपके लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्मर हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी, फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।